Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Amit and you are watching the Technicals. दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं अपने एक YouTube चैनल स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था एंड फाइनली आज मैंने शुभारंभ करी। बेसिकली ये एक टेक चैनल है तो इस चैनल पे आपको सारे टेक रिलेटेड न्यूज़, गैजेट्स के रिव्यूज़ एंड उनके अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आऊं और वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। दोस्तों यहां पर सबसे पहली खबर निकल करके आ रही है गूगल पिक्सल 4a को लेकर के। कुछ लीक से कहते हैं कि इसमें 6GB का रैम, 730 का चिपसेट और UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। बेसिकली होता ये है कि जितने भी मिड रेंज के स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें आपको EMMC का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड UFS का सपोर्ट आपको एक फ्लैगशिप ग्रेड फोन में देखने को मिलता है। अगर बात करें UFS और EMMC के डिफरेंस के बारे में तो UFS एक बार में डेटा को रीड और राइट दोनों ही कर सकता है, बट EMMC या तो एक बार में डेटा को रीड कर सकता है या तो राइट कर सकता है। इसका मेन एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा कि आपके मीडिया, आपका ऐप और आपका गेम मिस अगर कहे तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस में कुछ कमाल के डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ जो कि एप्पल से रिलेटेड है। हम सभी को पता है कि कोरोना वायरस के डर के कारण बहुत सारी कंपनियों ने या तो अपना इवेंट कैंसिल कर दिया है या तो उसे पोस्टपोन कर दिया है और या फिर उसे ऑनलाइन स्ट्रीम करने के बारे में सोच रही है। एंड आज फाइनली एप्पल ने भी ये कन्फर्म कर दिया है कि उनकी जो अपकमिंग वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो सैन जोस में ना होकर के वो भी ऑनलाइन स्ट्रीम करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली खबर निकल करके आ रही है रियलमी 6i को लेकर। हम सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही रियलमी ने रियलमी 6 और 6 प्रो को बहुत ही जोर शोर के साथ में लॉन्च किया था। अब शायद कंपनी उसके एक लाइट वर्जन रियलमी 6i को लेकर के आ सकती है शायद 17 मार्च को ही। इस फोन में आपको हीलियो का G80 प्रोसेसर देखने को मिल सकता है जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही कमाल का प्रोसेसर है। अब बात अगर रियलमी की हो तो सौमी कैसे पीछे रह सकता है। कुछ लीक्स निकल के आ रही हैं कि सौमी 16 मार्च को अपना एक 40 वाट का वायरलेस चार्जर या फिर पावर बैंक लॉन्च कर सकता है। भाई सौमी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों अगली खबर निकल कर के आ रही है GST ऑन स्मार्टफोन को लेकर के। GST काउंसिल ऑफ इंडिया ने फाइनली ये अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 अप्रैल से वो सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर GST के रेट 12% से बढ़ा करके 18% करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि इससे स्मार्टफोन की प्राइस थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ जो कि OnePlus से रिलेटेड है। OnePlus अपने नेक्स्ट फ़ोन OnePlus 8 और 8 Pro को शायद 15 अप्रैल को लॉन्च कर सकता है एंड OnePlus 8 Lite शायद कुछ डिले होगा, मे बी शायद मई या फिर जून के महीने में शायद वो लॉन्च होने वाली है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है तो देखते हैं कि ये रिमर्स कहाँ तक साबित होती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू।